Hello viewers, welcome back to Food with Sankar. In today's episode, we are showcasing one of the world's most popular kebabs, that is Galauti from Lucknow. To know more about this recipe, we have come to Western Mindspace, Hyderabad, with Chef Asif Qureshi, who's going to take us through the entire process of making the Galauti kebab with some tips, tricks, and pure technique. And thank you, Chef, for being on our show. Namaste everyone, I'm Chef Asif Qureshi. आज हम आपको लखनऊ की जब भी बात होती है और लखनऊ का जहाँ भी जिक्र होता है, लोग गलौटी को उससे अपने माइंड में उसको रन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए आज हम गलौटी को आपको यहाँ पर प्रोसेस में बनाएंगे। तो शेफ, बिफोर गोइंग इनटू द इंग्रेडिएंट्स, आई वांटेड टू नो अ स्मॉल हिस्ट्री बिहाइंड व्हाई एंड हाउ दिस गलौटी कबाब वाज मेड। गलौटी कबाब बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जब पहले के टाइम पे नवाब लखनऊ में रूल किया करते थे, और उस समय जो कि नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके दांतों का थोड़ा इशू था, उनके दांत नहीं थे, तो उस समय के जो खानसामा हुआ करते थे लखनऊ में, तो उन्होंने उनके लिए एक क्रिएशन क्रिएट किया था गलौटी कबाब, कि जैसे ही वो खाएँ उनको दांतों को दिक्कत ना हो और आराम से वो खा सकें। तो बेसिकली But this kebab is meant for the toothless. Yeah. So chef, tell me, how did you inherit this recipe? How did you get this recipe? Okay. So I have a family background. You know, my home, my father, grandfather, all they are chefs. I am a fifth generation chef to involve this cooking. और उनके साथ मैं रह के अपनी चीज़ों को लर्न करता था। जब मैं स्कूल टाइम पे भी था तो मैं कभी ना कभी उनके साथ कुछ ना कुछ काम करने के लिए जाता रहता था, और सेम टाइम मैं अपने घर में अपनी मदर के साथ भी थोड़ा बहुत खाना बनाने की कोशिश करता रहता था, तो वो भी कभी कभी मुझे कुछ टास्क देती रहती थी। उस टाइम से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता रहा खाने की कुजीन को लेके, और फिर जब फैमिली बैकग्राउंड था तो मतलब एक तरह की विरासत थी मेरे लिए कि मैं इस लाइन को ईजिली पिक करके जा सकता हूँ, लेकिन विरासत ज़रूर थी मेरे लिए, लेकिन ये टफ भी ज़रूर था, क्योंकि जो उस्ताद लोग होते थे पहले के टाइम पे, सेम लाइक माई फादर ऑल्सो, वो कभी मुझे एज अ सन ट्रीट नहीं करते थे। वो मुझे अगर काम सिखाते थे तो एक चेले की तरह ट्रीट करते थे, और जो चाहते थे वो बोलते थे, हेल्पर या सेम लाइक अ हेल्पर। तो उसी तरह से उन्होंने ट्रीट किया, और जब धीरे धीरे मुझे इसकी नॉलेज होने लगी और चीज़ें समझ में आने लगी, तब जाके मुझे थोड़ी सी वैल्यू मिलना स्टार्ट हुई उनके साइड से। तो शेफ, नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द गलौटी। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त का कीमा ले लेंगे। दिस मीट लुक वेरी टेंडर एंड पिंकिश कलर। एनी स्पेसिफिक रीजन? यस सर, ये पिंक इसलिए होता है क्योंकि रान का जो गोश्त होता है वो बहुत गुलाबी किस्म का होता है। ओके। और रान का जो गोश्त होता है थोड़ा सा रूखा होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं होते हैं, जो जैसे वाइट वाइट्स तो उसके बोले जाते हैं, फाइबर्स बोले जाते हैं, वो नहीं होते हैं। और कीमे के साथ साथ हम इसमें फैट का मिक्स करते हैं। कितना फैट और कितना मीट? एक केजी मटन के अंदर अराउंड 100 ग्राम फैट यूज़ करते हैं इसके लिए, ताकि जब भी ये कबाब बनेगा तो इसके अंदर एक मॉइस्चर डेवलप होगा, और वो धीरे धीरे उस गलौटी को और सॉफ्ट होने में हेल्प करेगा। परफेक्ट। नाउ वी अंडरस्टूड रीजन व्हाई गलौटीज आर सो सॉफ्ट। तो इसके साथ नेक्स्ट क्या मिलाएंगे सर? इसके बाद नेक्स्ट मिलाएंगे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब लेंगे रॉ पपाया पेस्ट। ओके, so this is raw papaya peel skin and then paste? No sir, we take with the skin. Oh. क्योंकि skin raw papaya की जो skin होती है, जब भी आप उसको कभी नाखून या knife लगाएंगे तो उसमें से white milk आता है। Actually they all the things help the tenderizing the meats. So it is called pepin, that enzyme which tenderizes the meat, which is there in abundance in papaya, is called pepin. और इसको भी यूज़ करने के लिए अगर एक केजी आपका मटन है तो अराउंड 150 ग्राम रॉ पपाया होना चाहिए। ओके, क्योंकि ज़्यादा होगा तो उससे सारनेस बढ़ेगी, और कम रह जाएगा तो उसको गलने में मुश्किल हो जाएगा, तो दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट अब हम लेंगे काजू का पेस्ट, ब्राउन काजू का पेस्ट। आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, वाई इज़ इट ब्राउन कलर? ब्राउन कलर इसलिए सर क्योंकि इसको घी के साथ रोस्ट किया गया है, घी में मतलब पकाया गया, भुना गया इसको, और भुनने के साथ इसमें एक और रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादातर लोग होते हैं कि इसको पानी में पेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका अरोमा जो होता है
वो पानी के कॉन्टैक्ट में जाने के बाद अरोमा खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको फील करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको भुनने का फील आएगा इसका। परफेक्ट। सो रोस्टेड कैश्यू पेस्ट। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, लुक्स सो नाइस एंड यमी। ओके, दिस इज अगेन ब्राउन अनियन पेस्ट, सेम कॉन्सेप्ट विद द कैश्यू, कि अगर हम इसको पानी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो उसकी फ्राई की भी अनियन का पेस्ट का फ्लेवर है वो इसमें से निकल जाएगा कहीं ना कहीं, और जब तक पानी के कांटेक्ट में जो चीज़ रहती है वो अपना फ्लेवर खुल के नहीं दे पाती, जैसे ही ऑयल के कांटेक्ट में या घी के कांटेक्ट में आती चीज़ें वो अपना पूरा फ्लेवर खुल के देना स्टार्ट देती है। रोस्टेड चना पाउडर, दिस इज बेसिकली बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग, और इसको भी यूज़ करने का तरीका है कि रोस्टेड चना पाउडर जब भी लें एकदम फाइन करके लें, फाइन के साथ साथ इसको छन्नी से छान लें, और छानने के बाद अगर 1 किलो मटन है तो 125 ग्राम 1 kg में यूज़ करें, फिर हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे इसके अंदर, देसी घी और ऑलरेडी पहले हम फैट ले चुके हैं, ये दोनों चीज़ हमें हेल्प करेंगी जब हम कुकिंग प्रोसेस पे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पैटी हीट होगी अंदर से हीट होके घी और फैट उसका रिड्यूस होगा और उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता रहेगा। इसके लिए सॉल्ट लेंगे हम थोड़ा सा, सिनेमन पाउडर, क्लोव्स पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इलायची पाउडर, जावित्री पाउडर, और ये बहुत ही ख़ास मसाला है, बिना इसके गलौटी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, जैसे इंसान बिना दिल के अधूरा रह जाता है वैसे ही गलौटी बिना इस पोटली के मसाले के अधूरी है, और ये पोटली का मसाला खास तौर पे पहले के टाइम पे जब नवाब रूल किया करते थे उस समय हकीम लोग होते थे इस मसाले को बनाते थे, क्योंकि इस मसाले में बहुत सारी जड़ी बूटी का यूज़ होता था, जैसे कि जराकुस, संदल बुरादा और अपना पान की जड़, पपीते की जड़, खसखस की जड़, इस तरह के बहुत सारे मसाले यूज़ किए जाते थे इसके अंदर, ये मसाला एज अ फ्लेवर यूज़ किया जाता था, प्लस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि नवाब को यूज़ करने के लिए नवाब वगैरह खाते थे गोलाटी, प्लस उनके जो सिपाही वगैरह होते थे कभी उनके लिए भी बनता था और उनको चाहिए होता एनर्जी। तो शेफ, इसमें करीब कितने इंग्रेडिएंट्स होंगे? इसमें तकरीबन 110 तरह के मसाले यूज़ किए गए हैं। आर यू सीरियस? 100% सीरियस। 110 इंग्रेडिएंट्स इन दैट वन सिंगल पाउडर? बिल्कुल सर, वो क्योंकि जितने तरह के मसाले आते हैं वो यूज़ किए गए हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको जड़ी बूटियाँ यूज़ की गई, so it's got all the spices, it's got herbs, yeah, it's got roots, yeah, it's got different kinds of tea, what not, it is basically meant for immunity boosting, yeah, immunity boosting along with the swad. Okay, done, let's now mix, aur iske baad hum milayenge rose water. Kevla water. Okay, what's the difference between rose water and kevla water? रोज़ वाटर अपना बेसिकली रोज़ फ्लेवर पे होता है और रोज़ के अरोमास के साथ डेवलप किया जाता है, और केवड़ा वाटर एक लाइक एसेंस यूज़ किया जाता है कि जो अपना स्पाइसेस के साथ मिक्स वाटर होता है, प्योर वाटर, वो यूज़ किया जाता है, ज़ाफ़रान जो कि खाने को अपने आप में एक रिचनेस फील कराने के लिए यूज़ की जाती है, और इसका अरोमा भी इस ग्लॉटी के अंदर मिक्स हो के आता है। इसका हम पानी ना यूज़ करके इसको हम लीव्स में इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जगह जगह भी लीव जाएंगी, प्लस इसका कलर उस गलौटी के साथ मिक्सअप होगा और हल्का येलो कलर अपना रिलीज करता रहेगा साथ में। यू कैन यूज इट, द यूसेज ऑफ सैफ्रन इज एट योर डिस्क्रिप्शन। फाइनली अब इसको हम मिक्स करेंगे, ये जो प्रोसेस है गलौटी के अंदर दुंगार दी जाती है, दुंगार का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो धुएं के साथ उस मीट के अंदर फ्लेवर्स इनबिल्ट कराएं, और
So he is infusing the flavors into the meat at a raw level itself, so that it takes in all those flavors. Brilliant. Chef, एक और बात पूछनी थी आपसे. ये जो पोटली मसाला है कहाँ मिलेगा? ये जो ऑडियंस, इफ दे वांट टू मेक इट होम, समवन, वेयर कैन दे गेट दिस मसाला? ये पोटली मसाला खास तौर पे लखनऊ में ही मिलता है और इसके परचेज करने के लिए आपको लखनऊ जाना पड़ेगा. और लेकिन लखनऊ की मार्केट में, किसी भी मार्केट में जाएंगे, आपको इजली किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएगा. नाइस, ब्रिलियंट. तो अब क्या करेंगे इसके बाद? स्मोक थोड़ी देर रहेगा और स्मोक होने के बाद जितना भी स्मोक इसके अंदर डेवलप हुआ है वो अपने आप उसी मीट्स के अंदर मिक्स होके सारा स्मोक खत्म हो जाएगा करीब 20 से 25 मिनट के अंदर. तब इसको हम ओपन करेंगे. ये तैयार हो चुका है अभी. अब इसको खोल के देखते हैं. थोड़ा सा स्मोक बचा था जो कि ऑलरेडी इस मीट्स के साथ मिक्स हो चुका है. सो यम्मी. तो हम बाकी सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे और गलौटी अपने तैयारी प्रोसेस पे आ चुकी है. इसको एक बार दोबारा से मिक्स करेंगे. जो भी फ्लेवर्स आया था स्मोक का वो ऊपर और नीचे बराबर से मिक्स हो जाए. ओके. ताकि सब तरफ इवन से फ्लेवर चला जाए. अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है. अब इसको सेकने के लिए बस रह गया. इसको बस सेकना है. तो इसको यूजली तवा पे करते ना? इसको यूजली यूज़ करते हैं माही तवा जो कि कॉपर का होता है और सिल्वर पॉलिश के साथ होता है. और जब ये बनाया जाता है वो हैवी बेस होता है और स्लो कुकिंग के साथ वो कुक होता है और बहुत ही मतलब जैसे सुंदर फ्लेवर जो हो जाता है वो उसके ऊपर आ जाता है. इसको खाने के लिए पहले हम पैन के अंदर घी ले लेंगे थोड़ा सा. ओके. देसी घी. देसी घी. इसके बाद में हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के रखेंगे. पानी लगाने से ये जब भी हम गलौटी को पैटी उठाएंगे ये चिपकेगा नहीं. और इसको उठा के जैसे जनरली पैटी बनाते हैं उस तरह से पैटी नहीं बनाएंगे इसको. इसको बस उठा के ऐसे प्रेस करेंगे उंगलियों की हेल्प से और जो प्यार से ऐसे रख देंगे थोड़ा टाइट करके. क्योंकि गलौटी का कोई एक्चुअली शेप नहीं होता है और गलौटी बस जिस तरह से उठाई जाए प्रोसेस में और वैसे ही उठा के उसको उंगलियों से पंच करके वैसे रख दिया जाए. मगर शेफ, आजकल मैं रेस्टोरेंट्स में देख रहा हूँ वो लोग अच्छा सा पैटी बना के वो दही कबाब की तरह गोल करके लगा रहे हैं. बिल्कुल सर, इसके अंदर एक मेन रीज़न है जो कि पैटी नहीं बनाने के फायदे बोले गए हैं. अगर इसको पैटी बनाने के लिए इसको गोल करके बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें फाइबर डेवलप होगा और फाइबर की वजह से वो अंदर से कुक नहीं हो पाती है. केवल अंदर से मॉइस्चर बच जाता है. और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि इंडियन कुजीन और वेस्टर्न कुजीन को डिवाइड कर देता है. अगर गलौटी की बात करी जाए, गलौटी जब भी इसको टर्न डाउन किया जाता है उसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दिया जाता है ताकि जो भी अंदर वाटर उसका रह गया हो, मॉइस्चर हो, वो सारा रिलीज होकर बाहर आ जाए. सेम थिंग अगर वेस्टर्न कुजीन होती है तो वेस्टर्न कुजीन के अंदर इसका डिफरेंस ये है कि कभी भी पैटी टर्न करने के बाद उसके ऊपर से प्रेस नहीं किया जाता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड कराया जाता है. अभी गलौटी को उठाकर हमने टर्न किया, हल्का सा प्रेस कर देंगे, जो भी अंदर मॉइस्चर होगा वो सारा रिलीज हो जाएगा. क्योंकि गलौटी अपने आप में एक बहुत मुलायम कबाब है जो कि बिना दांत वाले भी खा सकते हैं. मतलब होठों से कहा जाता है ना कि होठों से खाया जा सकता है. ये ऐसी चीज़ है कि आप होठों से खा सकते हैं. इसलिए इसके कोई भी खाते समय कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने होठों पे रखिए और इसका जायका ले सकते हैं. वाह वाह वाह. इट्स जस्ट फॉलिंग ऑफ. Oops. Very, very, very delicate, tender. Absolutely, as you said, it is meant for toothless. You were saying something, yeah? Lemon se khate, photo se kha lene wali. Wow. Barabar, ekdam. Thank you, chef, for this wonderful recipe for which you shared with our audience and the history and the technique behind making this delicious world famous galotti kebab. Thank you so much. Do subscribe to my channel and leave in comments if you wish to for any other recipes which you would want to know from us. Until next time, happy dining. And I'm going to dig into this. Danish, you are not going to eat.